हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों से जो डिश शेयर कर रही हूँ वो है दाल फ्राई तड़का, जो कि गाइस बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको कैसे बनाना है मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने अरहर की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। हम यहाँ पे एक कटोरी के तकरीबन दाल ली थी और मैं उसको अच्छी तरह से धो के, और हमने यहाँ पे डाला है एक चम्मच नमक और एक चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर। और मैं कुकर को बंद कर दूँगी और धीमी आंच पे मैं इसको पकने दूँगी। तो यहाँ पे हमारी दाल पक गई है, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी पकी है। अब मैं इसका तड़का लगाने जा रही हूँ। तो हमने इधर कढ़ाई में 2 चम्मच के बराबर तेल डाला है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। तब इसमें मैं डालूँगी प्याज, जो कि हमने लंबा लंबा और पतला पतला ही काटा है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और प्याज को डाल के और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। तो दाल का टेस्ट बहुत ही, दाल फ्राई तड़का बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे 1 स्पिंच के बराबर मैं हींग डाल रही हूँ, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो हमने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया क्योंकि हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पे टमाटो, 2 टमाटो हमने बारीक काट के रखी थी तो वो डाली हूँ, और उसको मैं गलने तक अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमारा टमाटो अच्छे से गल चुका है, तो हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, जो कि तीखा नहीं होती है और बहुत ही अच्छा कलर देती है। आप किसी भी किराने के दुकान पे देगी लाल मिर्च मांगेंगे तो मिल जाएगा, तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल दी हूँ अरहर की दाल, तो बहुत ही अच्छे से हमारी दाल फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और टेस्टी, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, जो कि दाल का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। और बारीक कटी हुई हरी धनिया से मैं गार्निश कर रही हूँ। धनिया डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और चावल चाहे रोटी के साथ जो भी आपको पसंद हो तो आप खाइए, टेस्ट करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप फाइनली देख रहे हैं ना कि मैं कितना अच्छे से दाल को फ्राई की हूँ। तो मैं यहाँ पे गार्निश करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी दाल फ्राई तड़का बनी है। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर ही एक बार ट्राई करेंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी एक बार ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी, कैसा टेस्ट था। तो यहाँ पे हमने दाल फ्राई तड़का बनाने के बाद गैस की सफाई कर रही हूँ। तो वो मैं जो दाल फ्राई तड़का दिखा रही थी मैं डिनर में ही बनाई थी, बट हमने और नहीं दिखाया। और इधर मैं किचन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि गैस वगैरह गंदा हो जाता है, तो सेल्फ, जब भी हमको टाइम मिलता है तो गैस और सेल्फ़ को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और हमने यहाँ मार्केट से कुछ सब्जी और फ्रूट लाई थी, तो हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी लेकर और उसमें डाली थी 1-2 चम्मच के बराबर नमक और हल्दी, और पानी को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया था। और उसी में डाल के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जितने, मैं एक बार खूब अच्छी तरह से धो रही हूँ, और फिर मैं साफ़ पानी लेकर के 1 पानी और अच्छे से धो लूँगी, तभी मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। अदरवाइज़ ऐसे रखना ठीक नहीं है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में फ्रूट और वेजिटेबल्स अपने फ्रिज में स्टोर करिए।
तो हमने यहाँ पे मैंगो को पहले हल्दी के पानी में धो लिया था, फिर मैं साफ पानी में धो रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा पीला जैसे हो रहा है। तो जितने भी फ्रूट थे मैं सबको बहुत ही अच्छे से धो ली हूँ। इसके बाद ही मैं फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है कि कितना सेंसिटिव समय चल रहा है, तो इसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सेहत का भी और अपने कपड़ों का और जो भी चीज़ें आप खाते हैं, पहले अच्छे से अपने कपड़ों को भी अच्छी तरह से धोइए और अपने को भी अच्छे से हैंड को वॉश करिए। चाहे नहा रहे हैं तो अच्छी तरह से नहाइए धोइए। बहुत ही क्लीन नीट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जब भी, मेरा कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि मैं इस टाइम काम करती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं किचन का सेल्फ वगैरह और गैस मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इधर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे से कपड़े से पोंछ के सुखा लिया था। इसके बाद मैं फ्रिज के टोकरी में सारे वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट हमने लाए हैं तो मैं स्टोर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर जो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं उनसे भी शेयर करिए। गाइज, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15 हो रहे हैं, 4:15, और हमने अभी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाई थी मार्केट से। उसको अच्छी तरह से मैं क्लीन करी हूँ और मैं अच्छे से उसको धो के सुखा के रखी हूँ। तो आज मैंने वही क्लीनिंग के बारे में आप लोगों को वीडियो में दिखाई हूँ कि अभी कोरोना संक्रमण का समय है तो साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखना होगा। कोई भी सामान आप मार्केट से लाते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, इसके बाद धूप में सुखा लीजिए, फिर ही घर के अंदर लाइए। क्योंकि कोरोना संक्रमण तो इतना जल्दी ये बीमारी जाने वाली नहीं है, तो हम लोगों को खुद ही साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ही ख्याल रखना होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।